जय हिंद। डियर लर्नर्स, आज आप सॉल्व करेंगे क्लास 7 मैथ्स एक्सप्रेस एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर 1 दीजिए, डिवाइड द फॉलोइंग, इन नंबर्स को डिवाइड करना। ए नंबर देखिए 0.8 डिवाइडेड बाय 4। तो पिछले एक्सरसाइज में हमने देखे थे कि डेसिमल नंबर्स की इंटू करना, मतलब एक नंबर को दूसरे नंबर से इंटू करना। आप देखिए डिवाइड करना है, तो जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो डेसिमल में है, और जिसको हम जिससे डिवाइड दे रहे हैं वो सिंपल इंटीजर है, डेसिमल नहीं है। तो देखिए डेसिमल के केस में जब हम इंटू करते हैं ना, तब दोनों नंबर्स में टोटल कितने डेसिमल्स होते हैं, यानी कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स होते हैं ये देखते हैं। इसके हिसाब से हम प्रोडक्ट में डेसिमल पॉइंट पुट करते हैं, ये तो हमने सॉल्यूशन में देखे थे ना। अब डिवाइड के मामले में क्या होता है, देखिए 0.08 है, इसको 4 से डिवाइड करना, तो अच्छे से स्टेप्स देंगे। तो 0.8 को हम 8/10 तो लिख सकते हैं ना, 8/10 डिवाइडेड बाई 4 है, ऐसी भाई हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है। तो 1 के साथ एक जीरो से जो नंबर बनेगी इससे इसको डिवाइड करने से वैल्यू सेम आएगी, आएगी कि नहीं। तो मतलब 0.8 इज इक्वल टू 8/10, आप 8 को 10 से डिवाइड दिए तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि 1 के बाद एक जीरो है, तो डिवाइड का टाइम डेसिमल पॉइंट लेफ्ट में मूव होते हैं, लेकिन इंटू के टाइम इसके रिवर्स होते हैं, डेसिमल पॉइंट राइट साइड में मूव होते हैं ना। तो एक डिजिट अगर लेफ्ट में मूव हुए तो यहाँ पे आ जाएगी, इसमें तो डेसिमल पॉइंट नहीं है ना, तो मान के चलिए यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, तो एक डिजिट लेफ्ट में आकर डेसिमल पॉइंट पुट हो जाएगा, मतलब 0.8 यानी कि 0.8। अच्छा आप एक चीज़ देखिए, पहला फ्रैक्शन जैसा है वैसा, यहाँ डिवाइड की जगह इंटू दीजिए और 4 के रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो 4 के रेसिप्रोकल क्या है, 1/4 है। एक्चुअली एक चीज़ देखिए, देखिए अच्छे से, किसी भी नंबर के नीचे 1 होती है एज ए डिनोमिनेटर, 1 होने की वजह से हम लिखते नहीं, 1 के अलावा दूसरे किसी नंबर होते तो हम लिखते, ठीक। तो 1 तो हम ज़रूरत के हिसाब से ऐसे लिख सकते हैं भाई, तो 4/1 के रेसिप्रोकल 1/4 है। वैसे ही 2/3 के रेसिप्रोकल क्या होते हैं, 3/2 है, उलट पलट हो जाते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो आप देखिए 4 2 8 काट गया, तो 2/10 बचा ना, तो अगर 2 को 10 से डिवाइड दिया जाए तो 0.2 आएगी, 1 के बाद एक जीरो है, तो डेसिमल पॉइंट एक डिजिट लेफ्ट में आके मूव हो गई। तो यहाँ ओनली एक ही डिजिट है, तो भाई डिजिट के पहले ही डेसिमल पॉइंट आ जाएगी, यानी कि 0.2 है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, 0.2, सिंपल है भाई। नेक्स्ट बी नंबर देखिए 0.75, तो 0.75 को हम क्या लिख सकते हैं, 75/100, डेसिमल पॉइंट के बाद दो डिजिट है तो 100 से डिवाइड देना। अब डिवाइड है, अच्छा 5 है, तो डिवाइड की जगह इंटू दीजिए, और 5 के रेसिप्रोकल 1/5 है ना, तो 1/5 करिए आप, 5 15 75 15 को अगर 100 से डिवाइड दिया जाए तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पर हो, तो 0.15 हो जाएगा, क्या बात है। अब नेक्स्ट सी नंबर देखिए, 4 से 3.8 को डिवाइड देना, तो काम करना, देखिए डेसिमल पॉइंट रिमूव कीजिए, तो 3 4 8, तो 100 से डिवाइड देना, डिवाइड की जगह इनटू लिखना, और 4 के रेसिप्रोकल 1/4 है। अब देखिए 4 8 जार 32, 2 20 8, 4 7 28, कट गया पूरा। अब इसको अगर 100 से डिवाइड किया जाए तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे हो गया 0.87 है, इजी ना। नेक्स्ट इसके केस में देखिए, अगर आप चाहें तो ऐसे ही कर सकते हैं। अच्छा दूसरा एक रूल देखिए, नियम देखिए, शॉर्टकट आप कर सकते हैं, ये जो डेसिमल पॉइंट के पहले 72 है ना, ये एग्जैक्टली 6 से डिविजिबल है, और बाद में जो 6 है वो भी एग्जैक्टली 6 से डिविजिबल है, तो 6 12 72 पॉइंट है, 6 1 6, तो 12.1 है। नेक्स्ट इसके केस में देखिए 72 है, तो 9 से डिवाइड देना, तो 9 8 72। अब देखिए डेसिमल पॉइंट की बात दो डिजिट है, तो यहाँ जो रिजल्ट आएगी ना, क्वेश्चन आएगी, इसकी भी डेसिमल पॉइंट के बाद दो डिजिट आने चाहिए, लेकिन यहाँ तो एक डिजिट और एक डिजिट जीरो से बना लेना, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगी, यानी कि 0.08। नेक्स्ट इसके केस में देखिए 6 2 12 पॉइंट है, 48 ना, तो 6 8 48, तो 8 यहाँ देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद दो डिजिट है, तो यहाँ भी दो डिजिट होनी चाहिए, अगर यहाँ 8 लिखे ना तो सिर्फ एक डिजिट आएगी, तो एक काम करना 0 8 लिखना, तो दो डिजिट आया।
अब इसको एज प्रोसेस मतलब इनकी तरह डिवाइड करके देखिए 2.08 आएगी। इसी केस में देखिए 3 3 9.18 3 6 18 तो 6 को 0 6 लिख सकते हैं। तो वैसे ही अब देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद दोनों डिजिट है, डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट नहीं, तो 0 पॉइंट पहले पॉइंट देना तो 81 ना 3 27 81 तो 0.27 है। इजी ना भाई, कितनी इजी भाई। अब नेक्स्ट 2 नंबर देखिए 5। अब देखिए यहाँ 10 के इंडेक्स से डिवाइड हो रही है, 10 के इंडेक्स से यानी कि 10 100 1000 ऐसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। तो ऐसी नंबर से डिवाइड देना और मल्टीप्लाई करना बहुत बहुत इजी है। इजी कैसे है देखिए, नंबर में जिस नंबर को हम डिवाइड दे रहे हैं ना, इस नंबर में जितने जितने डिजिट्स है वो डिजिट सेम रहेगी, वो डिजिट सेम रह जाएंगे और डेसिमल पॉइंट की जो पोजिशन है वो चेंज हो जाएंगे, बस वो चेंज हो जाएगी। और कभी कभी ज़ीरो से एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, तो ज़ीरो से एडजस्टमेंट कैसे करनी पड़ती है ये मैंने दिखाऊंगा यहाँ सॉल्यूशन का टाइम और लास्ट एक्सरसाइज में, यानी कि एक्सरसाइज 3.2 में मैंने मल्टीप्लिकेशन की केस में जीरो की एडजस्टमेंट कैसे होती है देखा दिया, यहाँ भी दिखाऊंगा। आप देखिए, आपको पता है जब हम किसी भी नंबर को 10 के इंडेक्स से डिवाइड देते हैं तो डेसिमल पॉइंट डिवाइड के टाइम जस्ट लेफ्ट साइड में मूव होते हैं और मल्टीप्लिकेशन के टाइम राइट साइड में मूव होते हैं। डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड में मूव होना मतलब नंबर छुटा होना, और डिवाइड से तो नंबर छुटा ही होते हैं ना। तो यहाँ देखिए 1 के बाद एक ही 0 है यानी कि 10 है, तो डेसिमल पॉइंट आप जिस पोजिशन पे है ना इससे और एक डिजिट लेफ्ट में आके मूव होगी, तो यहाँ पे है यहाँ पे आ जाएगी तो 4.87 हो जाएगी। सिंपल है, ये नंबर देखिए यहाँ भी 10 से तो और एक डिजिट मूव होगी लेफ्ट में तो यहाँ पे आ जाएगी तो 48.75 हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ डेसिमल पॉइंट की इधर और कोई डिजिट है नहीं तो और एक डिजिट लेफ्ट में होगी मतलब यहाँ पे आ जाएगी, तो यहाँ पे आना मतलब 0.04 तो यहाँ देखिए 10 लगा देना, इस 0 की कोई वैल्यू नहीं। अच्छा तो अब यहाँ पे था यहाँ पे आया ठीक, मतलब 0.04। अब देखिए इसकी भी और एक डिजिट लेफ्ट में मूव होगी, तो ये जो डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 4 है ना, इसके बीच 2 जीरोज आएंगे तो 0.0047 होगा, 47 होगा इसकी वैल्यू। नेक्स्ट देखिए, इसके केस में यहाँ 100 से डिवाइड हो रही है, तो 100 से जब डिवाइड होगी ना तो 100 में 2 जीरो है तो उमूमन 2 डिजिट लेफ्ट में मूव होगी, तो यहाँ पे है तो 2 डिजिट लेफ्ट में आना मतलब यहाँ पे आना तो 0.487 होगा, तो इसके पहले 1 जीरो लगा देना, 487 है। इजी ना भाई। नेक्स्ट एफ नंबर देखिए, यहाँ भी 100 से तो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट मूव होगी ना तो 8.745 है, इसकी भी 100 से डिवाइड हो रही है ना तो यहाँ तो ओनली 2 डिजिट है ही, तो और भी 2 डिजिट लेफ्ट में आ गए तो 0 पॉइंट, तो और भी 2 डिजिट ना तो 2 डिजिट 0 से बनाना 1 2, अब 87 लिखना हुआ ना। इसके केस में 2 डिजिट होगा लेफ्ट में मूव होगा ठीक है, तो यहाँ तो 1 डिजिट है तो और 1 डिजिट 0 से बनाना है, तो पहले ही 0 पॉइंट लिखना भाई, इस 0 की कोई वैल्यू नहीं, इस डेसिमल पॉइंट को क्लियरली समझने के लिए देखने के लिए। तो यहाँ 4 है तो 4 के पहले और 1 जीरो देना, आप 487 हो जाएंगे, क्या बात है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है तो आप डेसिमल पॉइंट आ जाएंगे, कितने डिजिट 3 डिजिट कहाँ से, राइट साइड से, तो 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट मतलब 8.714 होगा, 8.714 बस, इसकी भी 1000 से डिवाइड हो रहे हैं तो 3 डिजिट 3 जीरो है तो 3 डिजिट मूव हो गए तो 1 2 3 तो यहाँ पे आ जाएगा 0.4178 तो 0.4178 है। इसके देखिए यहाँ 3 डिजिट है 3 जीरो है तो 3 डिजिट लेफ्ट में मूव हो गए मतलब 1 के पहले डेसिमल पॉइंट आ जाएगी 0.123 हो जाएगी, अब यहाँ 0 देना। अब देखिए यहाँ ओनली 27 है, 2 डिजिट से यहाँ 3 जीरो है तो और 1 डिजिट 0 से बनाएंगे तो 0.02727 और यहाँ 1 जीरो देना। इजी ना। अब नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स फिलअप करना, और बहुत सिंपल है, यहाँ सिर्फ 10 की इंडेक्स
यानी कि 10, 100, 1000 ऐसे ही नंबर से डिवाइड करना बस हो जाएगी। 12.5 को कौन सी नंबर से यानी कि 10 की इंडेक्स से डिवाइड करें, 1.25। तो देखिए डेसिमल पॉइंट यहाँ था, अब यहाँ आया मतलब एक डिजिट लेफ्ट में आया, 1.25 है ना। यहाँ सब में देखिए डिजिट सेम है दोनों में, लेकिन डेसिमल पॉइंट की पोजिशन अलग है, तो एक डिजिट लेफ्ट में हुआ मतलब तो 10 से डिवाइड होगा। यहाँ देखिए कितने डिजिट यहाँ था ना, अब यहाँ से यहाँ आया तो कितने डिजिट यहाँ था ना, यहाँ देखिए 3 के बाद था, अब दो डिजिट मूव हुआ, तो दो डिजिट कब मूव होते हैं जब 100 से डिवाइड होते हैं, तो यहाँ 100 होगा। अब देखिए यहाँ यहाँ भी 100 होगा, यहाँ तो डेसिमल पॉइंट नहीं था ना, तो आप दो डिजिट छोड़ के यहाँ डेसिमल पॉइंट आया राइट साइड से, तो 100 से डिवाइड होना, दो डिजिट के लिए 1 के बाद 20 वाला नंबर यानी कि 100। यहाँ भी देखिए डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट, यहाँ तो नहीं था ना, आप यहाँ पे आया 1, 2, 3 डिजिट लेफ्ट में आके फुट हुआ, तो आप 1 के बाद 30 यानी कि 1000 से। इसके केस में देखिए डेसिमल पॉइंट यहाँ था, आप 1, 2 डिजिट मूव हुआ तो 100 से, इजी ना भाई, बहुत इजी। यहाँ देखिए 0.505, तो यहाँ था डेसिमल 505 के पहले, अब यहाँ और एक डिजिट जीरो बीच में आ गया ना, तो मतलब एक डिजिट और एक डिजिट लेफ्ट यानी कि 10 से डिवाइड होना। यहाँ देखिए यहाँ था तो 1, 2, 3 डिजिट तो 1000 से, 1, 2, 3, 1000। इसके केस में देखिए 7.9, तो यहाँ था यहाँ से यहाँ आया, 3 डिजिट आया ना, यहाँ से यहाँ 3 डिजिट आया, तो 1 के बाद 30 वाला नंबर यानी कि 1000 होगा। भाई कितनी इजी लगा ना, कितनी इजी है, बहुत इजी है भाई। अब नेक्स्ट फोन नंबर के फाइनल दी वैल्यू, तो यहाँ वैल्यू मतलब क्या है डिवाइड करना, तो इसको हम 8/3.2 ऐसे लिख सकते हैं, इजी के टू। एक चीज़ देखिए 8/3.2 है ना, तो अगर बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम 10 से इंटू करें तो क्या होगी, देखिए 8 × 10 3.2 × 10 है, इजी के टू 8 × 10 = 80 या फिर 8 × 10 जैसा है वैसा लिखिए। और देखिए आप एक्सरसाइज 3.2 के मुताबिक इस डेसिमल नंबर को 10 से इंटू हो रही है, तो जब 10 से इंटू होगी ना, तो 1 के बाद 10 है, डेसिमल पॉइंट राइट साइड मूव होगी एक डिजिट, तो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी, देखिए इंटू हो रही है तो राइट साइड मूव होगी, तो यहाँ पे आना मतलब डेसिमल पॉइंट मूव हो जाना यानी कि 32 होगा। तो 10 से हम कही हुई यहाँ इंटू की, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ एक डिजिट हो, तो डेसिमल पॉइंट रिमूव करने के लिए 1 के बाद 10 वाला नंबर यानी कि 10 से इंटू करना पड़ता है। तो आप देखिए किसी सिर्फ इसको 10 से इंटू करने से वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो इसके ऊपर की नंबर यानी कि न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से इंटू करना, तब तो जाकर वैल्यू अनचेंज रहेगी। तो आप देखिए 8 × 4 = 32, तो यहाँ क्या हुआ 8 × 10/3.2 × 10 इज इक्वल टू 8 × 10/32। अब देखिए 8 × 4 = 32, तो 10 को 4 से डिवाइड देना, तो देखिए 4 × 2 = 8 है, 10 − 8 = 2 है। अब डेसिमल पॉइंट लाकर 10 देना, 4 × 5 = 20 है, 0 है रिमाइंडर, तो 2.5 है, 2.5। इसीलिए भाई बहुत इजी है, तो ऐसे ही बाकी सब सॉल्व कर सकते हैं आप। देखिए यहाँ बी नंबर मैंने सजेशन करके दिया 150 आया रिजल्ट, सी नंबर देखिए 9.78 × 0.2, तो 9.78 × 0.2 है। अब देखिए नीचे जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं इसके डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो इसको रिमूव करने की फिक्र करिए, तो 10 से इंटू करने से हो जाएगी, तो ऊपर के नंबर को भी 10 से इंटू करना, 9.78 × 10/0.2 × 10, अच्छा इज इक्वल टू 10 से इंटू करने से तो सिर्फ 2 आएगी, डेसिमल पॉइंट मूव हो जाएगी। यहाँ देखिए 10 से इंटू करें तो डेसिमल पॉइंट इंटू करने से राइट साइड पे मूव होगी, तो 1 डिजिट 1 डिजिट होगी, तो 97.8 होगा इज इक्वल टू। अब देखिए 97.8 को 2 से डिवाइड देना,
तो 2 4 8 है, ठीक है, तो 9 माइनस 8 1 है, 7 को नीचे ले आना, तो 2 8 16 है, 7 माइनस 6 1 है। अब देखिए इस ये जो 8 है इसको नीचे ले आना, लेकिन ये जो 8 डिजिट है ये डेसिमल पॉइंट के बाद है, तो डेसिमल पॉइंट पुट करना। अब देखिए 2 9 18 तो 48.9 है, 48.9 भाई कितनी इजी ना। अब इन दोनों को भी ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, मैं यहाँ सॉल्यूशन करके दूंगा भाई। अब नेक्स्ट ये नंबर देखिए 8.85 डिवाइडेड बाई 0.15, तो दोनों में देखिए डिविडेंड और डिविजर दोनों में 2 डेसिमल से, डेसिमल के बाद 2 डेसिमल, तो सीधा डेसिमल पॉइंट रिमूव करने से, उठा लेने से हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 100 से इंटू करने की कोई ज़रूरत नहीं दोनों को। 885 को 15 से डिवाइड दिया जाए तो 59 आएगा, इजी है, बहुत इजी है। नेक्स्ट एफ नंबर देखिए, ये भी बहुत इजी है, 81.09 डिवाइडेड बाई 0.03, तो दोनों नंबर्स में देखिए 2 डेसिमल्स है, तो सीधा डेसिमल पॉइंट रिमूव कर देना, तो 8109/3 होगा, तो 3 से अगर इसको डिवाइड दी जाए ना तो 2703 है, 2703 आंसर है, इजी। अब नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, डिवाइड दी फॉलोइंग, इन सब नंबर्स को डिवाइड देना, एक नंबर को दूसरे नंबर से, बहुत इजी है, फोन नंबर की तरह बिल्कुल है। यहाँ नंबर्स थोड़ा सा बड़े बड़े हैं, ठीक है, तो सॉल्यूशन के टर्म्स सेम है, डेसिमल पॉइंट रिमूव करना है जस्ट। तो एक चीज़ देखिए, ए नंबर पर देखिए इज इक्वल 42.24 डिवाइडेड बाय 35.2, तो यहाँ एक काम करना, जिस नंबर में हाईएस्ट डेसिमल है, मतलब डेसिमल के बाद हाईएस्ट डिजिट्स जिसमें है ना, इसके अकॉर्डिंग 10 की इंडेक्स से इंटर करना, तो हाईएस्ट देखिए इसकी इसमें 2 है न्यूमरेटर में, 2 डेसिमल से, तो 100 से इंटू करना, तो 100 से अगर इंटू की जाए ना तो 4224 होगा डिवाइडेड बाय, इसको अगर 100 से इंटू की जाए तो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट में मूव हो गई, 35.2 इंटू 100, तो 2 डिजिट राइट में, लेफ्ट में नहीं राइट में मूव हो गई, तो 10 के बदले में यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ गया, और एक 0 है ना लास्ट में, तो इसको लास्ट में लगा देना, 3520 होगा, 3520। अब देखिए कैंसिल आउट कर सकते हैं, 4224 डिवाइडेड बाई 3520, पहले 2 से कैंसिल करिए, अच्छा 4 से भी कैंसिल कर सकते हैं, 4 1 4 4 0 0 2 बचा 22, 4 5 22 बचा 24, 4 6 24, इसको भी 4 से, अच्छा 4 8 32 बचा 32, 4 8 32 4 0 0, आप फिर से 4 से डिवाइड दे सकते हैं, 4 2 8 4 2 8 4 0 0 0 कट गया, अच्छा 4 2 8 2 24 4 6 24 1 16 4 4 16। अब इन दोनों को फिर से 4 से डिवाइड दे सकते हैं, अच्छा 4 5 20 4 5 20, ठीक है, अच्छा आप देखिए इसको भी 4 से, तो 4 6 24 2 24 4 6 24, तो 66/55, तो आप देखिए 11 से डिवाइड दे सकते हैं ना, तो 11 6 66 11 5 55, तो एक्चुअली 6/5 हो रही है, 6/5 ना। आप देखिए अगर 6 को 5 से अगर डिवाइड देना, तो एक काम करना, यहाँ तो एक बार जाएगी ना, तो 1 5 5 6 5 1 है, आप पॉइंट लाना यहाँ और यहाँ एक 0 दे देना, डेसिमल पॉइंट के बदले में एक 0, तो 5 2 10 है, 10 - 10 0, तो 1.2 रिजल्ट आया, क्या है इज इक्वल टू 1.2 है। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है भाई। अब नेक्स्ट बी नंबर से ई नंबर तक सॉल्यूशन मैंने करके रखा, अब भी ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, तो 1 नंबर मैंने प्रैक्टिकली देखा है, तो जैसा प्रैक्टिकली देखा है बाकी सब वैसे ही कर सकते हैं, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो गया, ऐसे ही कैंसिल वैंसिल करनी पड़ेगी छोटे छोटे नंबर से, एक साथ अगर आप कर सके तो कर सकते हैं कैंसिल बड़े नंबर से, लेकिन अगर एक साथ ना कर सके तो 2 से या फिर 4 से 5 से ऐसे छोटे छोटे नंबर से कर सकते हैं, और करके आखिर कैसे रिजल्ट होगी। लास्ट स्टेप में देखिए वैसे ही लॉन्ग डिविजन मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी, लॉन्ग डिविजन से जाना होगा, ठीक है, तब जाकर आपके ऐसे ही आंसर मिलेंगे, इसी
अब नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट व्हाट प्रॉब्लम है। द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 70.4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द स्क्वायर। तो किसी एक स्क्वायर है जिसकी पेरीमीटर यानी चारों साइड्स की बाउंड्री क्या है, 70.4 सेंटीमीटर है, तो इसकी एक एक साइड की लेंथ क्या होगी। स्क्वायर के चारों साइड्स तो बराबर होते हैं और पेरीमीटर चारों साइड्स के सम होते हैं, यानी कि चारों साइड तो बराबर है, तो एक साइड को चार से गुना करने से पेरीमीटर होगी। तो पेरीमीटर दी गई है तो हो रही एक साइड, तो पेरीमीटर को फोर से डिवाइड देने से हो रही एक साइड की लेंथ आ जाएगी। तो पहले लिखना, गिवन पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 70.4 सेंटीमीटर, देयरफॉर ईच साइड ऑफ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर या फिर वन साइड ऑफ लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 70.4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 4 है, तो इज इक्वल 4 से डिवाइड देना, तो 70.4 है ना, 4 से अगर डिवाइड दी जाए तो 4 1 4 है, 7 माइनस 4 3 है, अब इस 0 को डाउन करना, 4 7 जार 28 है, 30 माइनस 28 2 है। अब देखिए डेसिमल पॉइंट है ना, इसके बाद की 4 नीचे ले आना, तो ये डेसिमल पॉइंट के बाद है तो यहाँ डेसिमल पॉइंट होगा 24 हो, तो 4 6 24, तो 17.6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर है इसकी हो रही है एक साइड की लेंथ 17.6 सेंटीमीटर, इसी। मैं नेक्स्ट 7 नंबर देखिए, द वेट ऑफ 6 स्वीट बॉक्सेस इज 4.32 किलोग्राम, फाइंड द वेट ऑफ 1 स्वीट बॉक्स। 6 स्वीट बॉक्स की कीमत 4.32 किलोग्राम, तो एक की कीमत क्या होगी। तो यह जो चेक ही वजन है, कीमत नहीं वजन है, तो ये चेक की वजन को 6 से डिवाइड देना, तो एक की वजन आ जाएगी, तो 4.32 6 से डिवाइड देना। तो देखिए डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट यहाँ सिर्फ एक ही डिजिट है, 4 है, और इसमें ये 6 से छुटा है, तो पहले ही डेसिमल पॉइंट लगाना चाहिए, पहले ही डेसिमल पॉइंट लग जाएगी। अब देखिए डेसिमल पॉइंट पॉइंट के बाद जो डिजिट है इसको भी ले लेता, 43, तो 6 7 42 है, डेसिमल पॉइंट यहाँ से हटा सकते हैं। अच्छा 3 2 2 1 है, अब इसको डाउन करना, 2 है, तो 6 2 12 यानी कि 0.72 है, 0.72 किलोग्राम है। तो और ये सूट मतलब मिठाई की बक्स की वजन है 0.72 किलोग्राम, मतलब 0.25 किलोग्राम से और भी थोड़ा सा कम है। मैम नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये व्हीकल कवर्स 205.04 किलोमीटर इन 4 आवर्स, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल इन 1 आवर। तो किसी एक व्हीकल, किसी एक कार मान लीजिए 4 घंटे में इतनी डिस्टेंस कवर करता है, तो 205.04 किलोमीटर, तो एक घंटा में कितने कवर करेगी। तो इस नंबर को 205.04 को 4 से डिवाइड देना, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 4 आवर्स इज इक्वल टू 205.04 किलोमीटर, देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर इज इक्वल टू 205.04 कैम डिवाइडेड बाई 4, या 4 घंटे में ना, तो 4 से डिवाइड देना, तो 205.04 को 4 से डिवाइड देना। तो देखिए 4 5 20, अच्छा इस 5 को डाउन करना, 4 1 4 है, 5 माइनस 4 1 है, ठीक है, डेसिमल पॉइंट आ जाएगी, बाद की 0 लगाना, 0 ले आना, ये तो डेसिमल पॉइंट के बाद है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन पे डेसिमल पॉइंट आना है। अब देखिए 4 2 8 है, तो 10 माइनस 8 2 है, आप इस 4 को डाउन करना, तो 4 6 24 24 माइनस 24 0 है, तो 51.26 किलोमीटर, तो एक घंटे में 51.26 किलोमीटर कवर कर पाएगा वो व्हीकल। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना और आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, धन्यवाद।
है।